कुरुक्षेत्र में निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक स्कूलों द्वारा ली जाने वाली एनुअल फीस के विरोध में पिछले करीब एक महीने से सड़कों पर हैं। कुरुक्षेत्र के अधिकांश निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद मिली असफलता से खासे आहत हैं, लेकिन गलत को गलत साबित करने की इस लड़ाई में जुटे हजारों अभिभावक अभी हिम्मत नहीं हारे हैं। यह लोग आज ताज पार्क इकट्ठा हुए और आगामी रणनीति पर अभिभावकों ने चर्चा की। अभिभावकों ने थानेसर विधायक सुभाष सुधा के आवास पर जाकर निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ एक ज्ञापन भी दिया। इस मौके पर अभिभावकों ने कहा कि निजी स्कूल मैनेजमेंट उन्हें डराने धमकाने का काम कर रही है ताकि हम एनुअल फीस भर दें। अभिभावक अब विधायक सुभाष सुधा से इस उम्मीद के साथ मिलने पहुंचे कि विधायक सरकार तक उनकी बात रखें और सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करके प्रदेश के लाखों अभिभावकों के करोड़ों रुपए निजी स्कूलों को देने से बचाए ताकि कोरोना के खौफ से पहले ही पीड़ित अभिभावक कम से कम सुकून से तो रह सकें। अभिभावकों द्वारा दिया गया ज्ञापन विधायक सुभाष सुधा के बेटे और युवा भाजपा नेता साहिल सुधा ने लिया। उन्होंने आश्वासन दिलवाया कि वह अभिभावकों की इस मांग को सरकार तक पहुंचाएंगे ताकि इस मुद्दे का हल जल्दी से जल्दी निकल सके। ये पिछले कुछ दिनों के अंदर लॉकडाउन होने की वजह से, महामारी होने की वजह से सभी स्कूलों की कॉमन दिक्कत आ रही है कि एनुअल चार्जेज जो है वो वेव ऑफ किए जाए, वो ना लिए जाए। और हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो एजुकेशन अफसर हैं अरुण आश्री जी ने ये स्टेटमेंट भी दिया है कि आप सभी का जो कॉमन एक प्रॉब्लम है, इसको हम लॉकडाउन खुलते ही इसको बैठ के स्कूल वालों के साथ इसको वेव ऑफ कराने का काम करेंगे। मैंने अभी यही रिक्वेस्ट सभी पेशेंट्स के साथ करी है कि सर्कुलर जो रहेगा सभी स्कूलों का एक जैसा रहेगा, इवन कि पूरे हरियाणा के अंदर जैसा होगा सबका एक जैसा रहेगा, सर्कुलर एक ही रहेगा कॉमन। तो इसको लॉकडाउन खुलते ही हम लोग प्राथमिकता के रूप पे सबसे पहले प्रायोरिटी पे इसको सॉल्व कराने का काम करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे कि इनके पास मैसेज आते हैं, कॉल अब नहीं आ रहे हैं मैसेज, कि जब से डीओ साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि इसको बैठ के हम समाधान करेंगे स्कूल वालों के साथ बैठ के डिपार्टमेंट, उसके बाद से चार पाँच दिन से किसी के पास कोई मैसेज नहीं आ रहा। कोई बात यहाँ पे इनके द्वारा कहेंगी? हाँ जी, साहिल सुधा जी आए हैं बाहर और उन्होंने यही आश्वासन दिया है कि स्कूल की तरफ से कोई भी आपको प्रेशराइज नहीं करेगा और जैसे ही लॉकडाउन हमारा ख़त्म होता है इस पर कोई ना कोई कड़ा एक्शन लिया जाएगा। आवास स्थान पर सभी पेरेंट्स ने इकट्ठे होने की इसलिए योजना बनाई है क्योंकि अभी तक दो तीन बार पहले मीटिंग हो चुकी हैं, जैसे सभी पेरेंट्स पहले इकट्ठा हो गए, स्कूल के सामने भी इकट्ठा हुए थे, उसके बाद डीओ के ऑफिस के सामने भी दो बार इकट्ठे हुए थे, उसके बावजूद भी सभी पेरेंट्स को पेरेंट्स के पास यही फ़ोन कॉल्स आ रही हैं कि आप अपनी एनुअल चार्जेस जमा करवाइए। तो उसके रिगार्डिंग सभी बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है एनुअल चार्जेस के बिहाफ पे। तो हमने सभी ने तभी मन बनाया है विधायक जी के यहाँ भी इकट्ठे होने का, हमारा सबका एक ही मोटिव है कि एनुअल चार्जेस नहीं लिए जाएँ क्योंकि सभी के काम धंधे बंद पड़े हैं, सभी अपने घर में बैठे हैं और स्कूलों का कोई अपना रेगुलर स्कूल किसी का भी नहीं चल रहे। हम हैं एपीएस स्कूल से। सुधा को बाहर आना चाहिए लेडीज से बात करने के लिए या फिर डायरेक्ट सुधा बाहर आते तो जेंट्स से बात करते, बेटे का बाहर भेजने का क्या मतलब? और ये प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है सर। मैं भी इस बात से सहमत हूँ। ये बात तो डीओ सर ने भी कह दी थी कि नाम नहीं कटेगा, ये नहीं करेगा, बट प्रेशराइज तो फिर भी किया जा रहा है स्कूल की तरफ से। हमारी वही डिमांड है। जब डीओ से बात होने के बाद उसके बाद भी आप लोगों को मैसेज आ रहे? हाँ जी, दो तीनों को आज कल भी आए हैं, अभी बात की है सुधाकर जी से भी। कौन से स्कूल से मैसेज भेजे जा रहे हैं? अगरसेन पब्लिक स्कूल से मिला। देखिए, हम इससे पहले अग्रसेन स्कूल, महाराणा प्रताप स्कूल, अलग अलग स्कूलों में अपना अपना प्रदर्शन कर चुके हैं जैसे कि पेरेंट्स इकट्ठे हुए हैं। स्कूल की तरफ से हमें डी ऑफिस में हमारी वो फेंक दी गई कि डी ऑफिस वाले कुछ करेंगे। हमने डी ऑफिस जाके प्रदर्शन किया तो उन्होंने कहा सरकार की तरफ से कोई सर्कुलर जारी करवाया जाए। तो इसी उद्देश्य से हम यहाँ आज विधायक महोदय के पास आए थे कि सरकार की तरफ से कोई सर्कुलर सभी स्कूलों को जारी किया जाए कि एनुअल चार्जेज नहीं लिए जाएंगे। आज महाराणा प्रताप स्कूल से मेरे दो बच्चे पढ़ते हैं और आज फीस एक तो एक्सेस की गई है, मतलब इंक्रीज भी की गई है फीस, ऊपर से एनुअल चार्जेस भी बढ़ाए जा रहे हैं। एनुअल चार्जेस 2400 रुपये है एक बच्चे का, एक का 2200 है। तो वो जबकि हमारा जो बच्चा है स्कूल की तरफ से कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो भी कोई भी चीज़ यूज़ नहीं कर पा रहा है, जब यूज़ ही नहीं कर रहा है एक्सेस हमारे ऊपर पड़ रही है। तो इसीलिए हम विधायक मोदी जी के पास आए थे। आज विधायक मोदी जी के जो सुपुत्र हैं उनसे हमारा वार्तालाप हुआ, उन्होंने हमारा जो ज्ञापन है वो लिया है
और आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द सरकार की तरफ से कोई सर्कुलर जारी करवाएंगे। हाँ जी, मैं वहाँ पे गई और मैंने प्रिंसिपल से और जो स्कूल के स्टाफ थे उनसे मैंने बच्चे की टीसी मांगी 8th क्लास की। मैंने अगले स्कूल में एडमिशन करवाना था बच्चे का, वो कह रहा जी जो 8th क्लास की 5 मंथ की फ़ीस भरो जुलाई तक, तब बच्चे को आपकी टीसी मिलेगी। कौन सा स्कूल है? अग्रसेन पब्लिक स्कूल में। कब से पढ़ रहा था आपका बच्चा? मेरा बच्चा 3rd क्लास से पढ़ रहा वहाँ पे अग्रसेन स्कूल में, और मैं इसके कारण फ़ीस भी नहीं भर पाई क्योंकि कोरोना काल में आपको तो पता ही है कितनी मजबूरियाँ हो रही हैं सभी के साथ में हो रही है, पर मैं फ़ीस नहीं भर पा रही हूँ। 2400 है। हाँ जी, आज जो अभिभावक हैं अग्रसेन स्कूल के, मोस्टली अभिभावक हैं, वो अपनी समस्या को लेकर आज विधायक के निवास स्थान पे आए हैं, और इनका जो मुख्य मुद्दा है वो एनुअल चार्जेज को लेके है। ये एनुअल चार्जेज स्कूल लेने का हकदार नहीं है, क्योंकि इनके फॉर्म 6 में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि कहीं भी इसमें एनुअल चार्जेस या इस तरह के डेवलपमेंट चार्जेस या किसी और चार्जेस के फंड का मतलब इसमें कहीं मेंशन नहीं है। तो ये स्कूल जो है निजी स्कूल, कोई भी प्राइवेट स्कूल, किसी भी तरह का एनुअल चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस या एनुअल फीस ये लेने का हकदार नहीं है। अग्रसेन स्कूल के प्रिंसिपल महोदय का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उनके पास। जी, हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देख चुके हैं, उसमें सिर्फ यही मेंशन है कि स्कूल 2021-22 के लिए कलेक्शन कर सकता है, लेकिन वो कलेक्शन किस तरह से होगी वो रूल के अनुसार होगी। जो फी और फंड फॉर्म 6 में मेंशन है उससे ज़्यादा तो स्कूल चार्ज कर ही नहीं सकते। तो हम मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2021-22 के लिए वो फी फंड ले सकते हैं, लेकिन कौन से फीस फंड ले सकते हैं? वो वही फी फंड ले सकते हैं जो कि फॉर्म 6 में मेंशन है और अप्रूव्ड है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, इससे ज़्यादा वो लेने के हकदार नहीं है। आप कौन से स्कूल? मैं DAV का पेरेंट्स हूँ और पेरेंट्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं अग्रसेन स्कूल के इस मुहिम में, इस सपोर्ट में यहाँ इनके साथ खड़ा हुआ हूँ। ये मेरी मॉरल ड्यूटी भी बनती है। और जो एनुअल चार्जेस है ये एक, हम इसको एक इनजस्टिस लेके चल रहे हैं, ये पेरेंट्स के साथ इनजस्टिस है। हमारे में से बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, मोस्टली ऐसे हैं जो फी देने में सक्षम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वो इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये प्राइवेट स्कूल जो है पेरेंट्स की इग्नोरेंस का फ़ायदा उठाकर लंबे समय से उनका आर्थिक शोषण कर रहे हैं, उनसे नाजायज़ एनुअल चार्जेज के रूप में हर साल एक हफ्ते के अंदर अंदर करोड़ों रुपये इकट्ठा करके अपने उसमें बैंक अकाउंट में जमा कर लेते हैं। ये पेरेंट्स के साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस है और हम इस इनजस्टिस का विरोध करेंगे। पिछले 1.5 महीने से हम इस इनजस्टिस का विरोध करते आए हैं और जब तक ये समस्या हमारी सॉल्व नहीं होती हम इस अन्याय का विरोध करते रहेंगे। पिछले 2019-2020 में हमने एप्लीकेशन DO साहब को दी थी कि भाई लॉकडाउन चल रहा है, तो उन्होंने हमारा 33% जब तक लॉकडाउन चल रहा था, मतलब उन्होंने कहा 33% ले लो इनसे। अच्छा, फिलहाल तुम्हारे पीछे नहीं भरी गई, क्यों हम झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि काम कर है नहीं है, कोविड से परेशान है, और अब कभी तो ऑनलाइन से नंबर काट दिया जाता है, कभी धमकी दी जाती है कि अपने बच्चों को यहाँ से SLC ले जाइए, कोई पैसा नहीं लेंगे, और दूसरी तरफ से फोन आता है कि जल पैसे भी भरे जाएं और एनुअल चार्ज भी लेंगे, अब ये नहीं तो अपने बच्चों को तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा।